जय हिंद दोस्तों, मैं नुज कुमार आप सभी का एग्री नुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ICER JRPG का जो आंसर की है वो रिलीज हो चुका है, तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे उसे मैच करेंगे, तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ICER। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप टाइप करेंगे ICER NTA NIC.in, तो यहाँ पर आपका आ जाएगी पहली। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए ये पेज खुल के ओपन हो गया है। तो इसको यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ आंसर की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये PhD का हो गया और ये PG का। तो इसे कैसे चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है बस। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परमिशन मांगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पर आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, चाहे आप एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें या फिर आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से करें, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये इंटरफेस आ गया है, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल के आपको तब दिखाता हूँ कैसा आपको आगे दिखेगा। जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ डालकर जब इंटर करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस पर जैसे कि आपको जो भी इसमें जो शुरुआत से एक्टिविटी हुई है आपकी ICER NTA में, वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको और आगे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपके आगे क्या होता है इसमें। यहाँ पर आपको करेंट स्टेटस में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा और यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड हो जाएगा। अब आंसर की आपको कैसे चेक करनी है और कैसे मिलानी है इसके बारे में बात कर लें, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है VIP चैलेंज आंसर की, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको जैसा इंटरफेस खुल के आ गया। जब आप इससे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तब जाके आप अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सब्जेक्ट जो है आपको दिया गया है जो आपका सब्जेक्ट है। और यहां पर देखिए यहां पर जो ये क्वेश्चन आईडी दी गई है और करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब ये है मान लो कोई क्वेश्चन है उसकी आईडी जो है ये है और उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनकी आईडी जो है जैसे कि 1922 आईडी है वो जो आईडी होगी वो सही होगी। जैसे ये 481 है, इसकी आईडी ऑप्शन की आईडी होगी 1921 1922 1923 1924, तो इसमें राइट आईडी जो है वो 1922 यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें सभी क्वेश्चनों की आईडी मिला सकते हैं। यदि आपको यहां पर अपना क्लेम देना है इसका किसी क्वेश्चन का, तो आप यहां पर अपना क्लेम भी भर दे सकते हैं। और यहां पर नीचे जाकर जब स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाकर तो यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट।